मैंने तुमको कथा सुनाई और भारत सिंह यादव जी ने लयो मोई बुलवाई। भारत सिंह यादव जी ने लयो मोई बुलवाई। अरे जा तो दम की जन्म भूमि पर चलती बार नमस्ते। अरे विशेष यहां से जाएंगे तो कछ रोते कुछ हंसते। हमारे दादाजी भारत सिंह यादव जी और उनके पुत्रों ने बड़ा प्यार दिया, बड़ा सम्मान दिया और 7 दिन तक बड़ी शांति के द्वारा कथा हुई। हम छाया बन के ही रहते लेकिन मेरी मजबूरी और कथा बैठ गई बेवर में मोय जाना बहुत जरूरी। कथा बैठ गई बेवर में मोय जाना बहुत जरूरी। आप लोगों का प्यार ऐसे ही मिलता रहे और मैं देखा है कि 7 दिन में हमारे बुजुर्गों भाइयों ने बड़े प्रेम से कथा सुनी। श्रोता हो तो यहाँ जैसे बहनों ने भी बड़ी शांति से कथा सुनी। आप लोगों के लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ। सुनील बेटा ढोलक बजे ढोलक रहे बजाई और नगला पीसा के बस भैया सुनो हमारे। सुनील बेटा ये घिरोर के पास नगला पीसा के रहने वाले हैं ढोलक बजा रहे। अरे प्रवीण यादव सुकवाबाद पर चिमटा मधुर बजावे। अरे सुंदर चिमटा को बजवैया लंबे हाथ लगावे। ये जो चिमटा बजा रहे प्रवीण बेटा सुकवाबाद से। अरे विजय लला मेरो एटा वालो मेरो दैनिक हवन रचावे और समय समय पे लला मेरो मेरी आगे कथा बढ़ावे। और ये बेटा हमारा शिष्य विजय एटा से। अरे जगबीर यादव नगला मम धाती मेरी गाड़ी मधुर चलाते और समय समय पे लला मोए जे कथा बीच पहुंचाते। ये हमारे ड्राइवर जी हैं, पास में बैठे हमारे शिष्य गौरव रपुरा से खलीपा जी और कल्लू भाई भजूरपुरा से। महाराज हमारे विशेष कुमार है ना यादव कुल में जन्म ले मेरी पुन पुन ले प्रणाम। महाराज बात मेरी रखियो हमेशा याद पहले जिला था मैं न पुरी अब भयो फिरोजा। हमारा डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद गांव पलक्कर। अब हम पहुंच गए हैं डिस्ट्रिक्ट एटा में आगरा रोड देहात कोतवाली मां शीतला बिहार कॉलोनी में आवास है। रोहित बेटा चीन पूरा को गवा।
शोभा यादव गई लहरा। अरे सुंदर हार गले पहनाओ भक्तों, ध्यान हर के सर में जा। हिमांशु बेटा 251 हार पहना के गए। हिमांशु आशीर्वाद है हिमांशु भाई के लिए। भगवान